السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today our lesson is سورة البقرة آية number 60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. आते हैं हम उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन की जाने. वाइज और जब, वाइज और जब इस्तस्का तलब किया मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौमी अपनी कौम के लिए पानी, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला से दुआ की ताकि इनको पानी दिया जाए, पानी फराहम किया जाए. फकुलना, बस हमने कहा इज़रिब मारिए बेआसाका अपनी लाठी को अलहजरा पत्थर पर, पत्थर पर अपनी लाठी को मारिए. ये मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि उनके पास जो लाठी थी अल्लाह ताला ने उससे काफ़ी मौजज़ात उसके ज़रिए ज़ाहिर किए. फन फजरत तो फूट पड़े, मिन उससे इस्नता आशारता बारह, आइनन चश्मे तो उससे बारह चश्मे फूट पड़े. दरअसल ये यहूदियों के बारह कबीले थे तो अल्लाह ताला ने हर कबीले के लिए अलग अलग चश्मे को जारी कर दिया. कद तहकीक, आलिमा जान लिया कुल्लु हर उनासिन कबीले ने मशरबहुम अपने पीने की जगह, कुलू बस तुम खाओ, वशरबू और पियो मिन से रिज़्क़िल्लाह अल्लाह ताला के रिज़्क से, अल्लाह ताला ने जो तुम्हें रिज़्क दिया है, पानी दिया है इससे तुम खूब खाओ. वला तअसौ और ना तुम मचाओ, फिल अर्दी ज़मीन में फसाद. वला तअसौ और ना तुम यानी कि ज़मीन में चलो मुफ्सिदीन फसाद करते हुए, ज़मीन में तुम फसाद करने की गरज से ना चलो फिरो, फसाद से तुम बाज आ जाओ. ये बनी इसराइलियों को उस वक्त अल्लाह ताला ने फसाद से रोका था, मना किया था. और ये वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के ज़ुबान अक़दस से बनी इसराइलियों को याद दिला रहे हैं.